हॉरर स्टोरीज़ आर पार्ट ऑफ आवर लाइव्स। हम बचपन से ही बहुत सारी क्रीपी हॉरर स्टोरीज सुनते आ रहे हैं एंड इवन सुनाते भी आ रहे हैं। लेकिन इस वाली वीडियो के अंदर जो हॉरर स्टोरीज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो ना तुमने कभी सुनी होगी एंड ना ही कभी किसी सिंपल सी हॉरर स्टोरी को सुनने के बाद तुम बहुत ज़्यादा क्रीप आउट करे होगे बिफोर वॉचिंग दिस वीडियो। डॉल्स आज के टाइम पर बहुत ही कम लोगों को पसंद है क्योंकि बहुत सारी मूवीज एंड हॉरर शोज ने डॉल्स के अराउंड हमारे बीच में एक क्रीपी परसेप्शन को लाकर खड़ा कर दिया है एंड इन्हीं वजह से हम डॉल्स को आजकल उन नजरियों से नहीं देखते हैं जिन नजरियों से हम बचपन में देखा करते थे। बट आई ऑलवेज बिलीव कि जो कुछ भी मूवीज के अंदर दिखाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर्ड जरूर होता है। आज की पहली हॉरर स्टोरी सुनने के बीच बीच में शायद तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैं तुम्हें कोई फिक्शनल स्टोरी बता रहा हूं, बट एवरीथिंग आई एम सेइंग इज एक्चुअली बेस्ड ऑन ट्रू इंसिडेंट्स। मेक्सिको के कोस्ट से करीब 28 किलोमीटर की दूरी पर एक आइलैंड है जिसका नाम है आइला दे ला म्यूनिका, जिसका सिंपल भाषा में आपको अगर मैं मतलब बताऊं तो इसका मतलब है दी आइलैंड ऑफ डॉल्स। आज के टाइम पर यह एक आइलैंड है जहां के हर ट्री ब्रांच पर, हर वॉल पर, हर जगह पर एक डॉल को हैंग करा गया है। लेकिन ऐसा करना वहां के लोगों का कोई ट्रेडिशन या रिचुअल नहीं है। एक्चुअली इस आइलैंड को कुछ टाइम पहले के वक्त में डॉन जूलियन सेंटाना बरेरा नाम का एक आदमी संभालता होता था जो मिड 20th सेंचुरी में अपनी वाइफ एंड अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आकर रहने लग गया था। वो बेसिकली इस आइलैंड का एक केयर टेकर था एंड एक दिन ऐसा होता है कि जब बरेरा उन आइलैंड के ट्री ब्रांचेस की कटिंग कर रहा था तब वो देखता है कि उस आइलैंड के शोर वाली तरफ एक गर्ल की बॉडी फ्लोट करते हुए उसकी तरफ आ रही है, उसके आइलैंड की तरफ आ रही है। वो जल्दी अपना काम वाम छोड़कर फटाफट उस लड़की की तरफ जाता है एंड उस गर्ल की बॉडी के पास पहुंचने के बाद वो रियलाइज करता है कि ये लड़की मर चुकी है बाय ड्राउनिंग इन द लेक। वो डूबकर मर चुकी थी एंड उसकी डेड बॉडी कहीं ना कहीं से फ्लोट करते करते इसके शोर तक आ गई। वो लड़की कौन थी, वो किसकी चिल्ड्रन थी, आज तक एक मिस्ट्री है क्योंकि बरेरा के रिपोर्ट करने के बावजूद किसी भी पेरेंट या किसी भी रिलेटिव ने ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि उनके घर से एक बच्चा लापता है। एनीवेज इन सब चीज़ों से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए बरेरा उसकी बॉडी को अच्छे से रिस्पेक्टफुली गाड़ देता है अपने ही आइलैंड के शोर पर एंड अपने काम की ओर वापस चला जाता है। अपने काम पर वापस जाते वक्त वो एक और चीज रियलाइज करता है कि उस आइलैंड के बीच में जो कैनाल बह रही थी, जो एक छोटी सी नदी उस आइलैंड के बीच में से बह रही थी, उसके अंदर से एक डॉल बहती बहती उसकी तरफ आ रही है। बरेरा को लगा कि शायद ये डॉल उसी बच्ची की हो सकती है जिसको वो अभी अभी गार्ड कराया है एंड टू पे इवन मोर रिस्पेक्ट टू दैट चाइल्ड वो उस कैनाल से उस डॉल को निकाल कर अपने आइलैंड के सबसे बड़े पेड़ के ट्री ब्रांच पर जाकर उसको हैंग कर देता है हमेशा के लिए। एंड यही वो वक्त था जब दिस स्टोरी गेट्स इवन डार्कर फॉर बरेरा, बिकॉज उस डॉल को हैंग करने के बाद बरेरा काइंड ऑफ एक पैरानॉर्मल पोजेशन की स्टेट में हमेशा के लिए चला जाता है। एंड जब उसने उस पहली डॉल को हैंग किया था ही वॉज अराउंड 25 ईयर्स ऑफ एज एंड उस दिन के बाद से बरेरा ने अपने अगले 50 सालों तक 75 टू 76 ईयर्स की एज तक उस आइलैंड में डॉल्स को कलेक्ट करके हैंग करना शुरू कर दिया। वो पूरा पूरा दिन डिफरेंट डिफरेंट डॉल्स के पार्ट्स एंड बॉडीज को ट्रैश कैंस, कैनाल्स एंड जहाँ से भी उसको किसी डॉल या फिर उसका एक पुर्जा मिल जाए वहाँ ढूंढता रहता था हैंग करने के लिए। उसने डॉल्स के पार्ट्स को पाने के लिए हर पॉसिबल ऑप्शन को स्क्राउंज करना शुरू कर दिया था एंड उसको अपने 50 ईयर्स की जर्नी में बहुत सारी डॉल्स मिली भी एंड बहुत सारी डॉल्स के पार्ट्स भी मिले जिनको वो नेकेड करके आइलैंड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पर हैंग कर देता था। बरेरा के लिए ये जरूरी नहीं था कि वो एक फुल डॉल को ही हैंग करे, इवन अगर उसको किसी डॉल का पार्ट ही मिलता था, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ उसका सर या फिर सिर्फ उसकी टोर्सोस, तो वो उनको भी रिस्पेक्टफुली हैंग कर देता था। जैसा कि मैंने बताया कि बरेरा ने 50 साल तक ये काम किया जब तक वो मर नहीं गया था एंड 2001 में बरेरा की बॉडी को रिपोर्ट कर दिया गया था वहाँ के किसी टूरिस्ट ने। एंड द मोस्ट शॉकिंग थिंग इज
बरेरा की बॉडी, डेड बॉडी एग्जैक्ट उसी जगह पर मिली जहां पर उसने उस छोटी बच्ची को किसी टाइम के अंदर गाड़ा था। दिस स्टोरी वॉज मोर देन अ कोइंसिडेंस फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल बरेरा ने सिर्फ डॉल्स के पीछे अपनी पूरी जिंदगी को वेस्ट कर दिया एंड उसकी बॉडी भी एक ऐसी जगह मिली जहां पर उसका पहले कनेक्शन बैठा हुआ था। देयर वॉज श्योरली समथिंग वेरी क्रीपी गोइंग ऑन विद हिम। मे बी द फर्स्ट प्लेस में उसको जो गर्ल चाइल्ड की बॉडी मिली थी वॉज अ कर्स आफ्टर ऑल, एंड मे बी वो एक इविल पावर को अपने साथ कहीं ना कहीं से पोजेस करके साथ में लाई थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो डोल बरेरा को बाद में उस कैनाल में से बहती हुई दिखाई दी थी उसके अंदर एक ऐसी इविल पावर मौजूद थी जिसने पूरी जिंदगी बरेरा से ऐसा अजीब सा काम करवाया विद और विदाउट हिज विल। लेकिन अभी एक और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट बचा है इस क्रीपी हॉरर स्टोरी में। जब लोगों के पास एंड मैक्सिकन सिटीजन के पास बरेरा की ये स्टोरी पहुंचने लगी तब बहुत सारे लोगों ने बरेरा की लाइफ को रिस्पेक्ट करने के लिए, उसको ऑनर करने के लिए उसके आइलैंड को विजिट करना शुरू कर दिया। एंड लोगों को ऐसा लगता था कि बरेरा ने अपनी लाइफ को एक बच्ची के लिए एंड उसकी लास्ट विश को पूरा करने के लिए अपनी पूरी की पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी थी जो बाद में लोगों को कभी समझ ही नहीं आई, जैसे जिस जगह बरेरा ने उस बच्ची की बॉडी को दफनाया था वहां पर किसी भी टाइप का कंकाल नहीं था, किसी भी चीज की बोन्स नहीं थी जहां पर, किसी भी डेड बॉडी का कोई भी निशान नहीं था। लेकिन वो बॉडी या फिर उसका कोई भी पार्ट कहाँ चला गया? इसके साथ बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स ने, जितने भी लोगों ने इस आइलैंड को विजिट करना शुरू किया खासकर रात के टाइम पर, उन्होंने ये चीज़ भी नोटिस करी कि उस आइलैंड में जितनी भी डोल्स टंगी हुई हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ विस्पर करती होती थी, अपने हेड्स को वो बहुत ज़्यादा थोरोली मूव करती रहती थी एंड इवन बहुत ज़्यादा क्रीपी साउंड्स भी उन डोल्स में से कभी कभार आती होती थी। एंड यहाँ तक तो वो डोल्स आइज को भी अपनी ब्लिंक करती होती थी अगर कोई उन्हें डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट से देखता था तो। लोगों ने रात के टाइम पर तो इस आइलैंड पर जाना एकदम ही बंद कर दिया था क्योंकि डोल्स की वो शिवरनेस उनसे सही नहीं जाती थी एंड वहाँ पर उन्हें ऐसा भी फील होता था कि आज भी बरेरा एंड वो गर्ल चाइल्ड कभी कभार मौजूद हैं। एंड कुछ टूरिस्ट ने तो ये तक भी क्लेम किया था कि उन्होंने बरेरा की स्पिरिट को देखा है जो उस छोटी बच्ची का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। लेकिन कितनी बातें सच हैं एंड कितनी नहीं ये तो शायद वहां जाकर ही पता चलेगा। आज के टाइम पर ये आइलैंड डोल्स से भर चुका है एंड स्टिल पीपल से कि जितनी भी डोल्स आज इस आइलैंड पर मौजूद हैं वो जिंदा हैं बरेरा एंड उस छोटी बच्ची की स्पिरिट के साथ साथ। इमेजिन बहुत तेज बारिश हो रही है एंड तुम्हारे पास अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक छाता तक नहीं है, बट अगर तुमने जल्दी से कोई शेल्टर या अम्ब्रेला नहीं ढूंढा तो यू कैन कैच कोल्ड एंड गेट रियली रियली सिक। तुम्हारे आसपास कोई भी नहीं है, जिस रोड पर तुम हो वहां पर सिवाय एक आदमी के जो तुमसे थोड़ा दूरी पर चल रहा था एंड उसके पास अम्ब्रेला भी था, उसके अलावा कोई भी नहीं है। तुम उस आदमी से हेल्प लेने के लिए उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हो, बट नो मैटर हाउ फास्ट यू रन और हाउ फास्ट यू वॉक वो आदमी तुमसे दूर जाए जा रहा था। एंड कुछ देर बाद उससे मदद लेने की कोशिश में उसका पीछा करते करते तुम रियलाइज करते हो कि समथिंग इज रियली रियली रॉन्ग। नो मैटर हाउ फास्ट यू गो तुम उस आदमी से कैचअप नहीं कर पा रहे थे। अभी जो मैंने तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी बताई है अभी इसमें बहुत सारे डार्क टर्न्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ अभी तुमने इमेजिन करी वो एक्चुअल में किसी के साथ सच में हुई है कभी। इंडिया के शिमला में गौरव नाम के एक टीनेज बॉय के साथ, जो एक सिंपल सा स्टूडेंट था हमारी तरह, उसके साथ ऐसी कुछ घटना हुई थी। जो सिचुएशन तुम कुछ ही देर पहले अपने लिए इमेजिन कर रहे थे उसके अंदर गौरव लिटरली रियलिटी में फंसा हुआ था। गौरव नाम का बच्चा अपने घर से थोड़ा सा दूर एक मार्केट में आया हुआ था जहां से उसको कुछ सामान लेना था। जब वो अपने घर से जस्ट निकला ही था तब बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही वो मार्केट में रीच आउट करता है उसके थोड़ी देर बाद ही बहुत ज़्यादा तेज बारिश आना शुरू हो जाती है
एंड गौरव के पास किसी भी टाइप का शेल्टर नहीं था। गौरव थोड़ा बहुत अपने हाथ को सर पर रखकर बारिश से बचने की कोशिश करते करते वापस अपने घर की ओर जाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अपने घर के रास्ते पर चलते चलते वो देखता है कि उसको एक अननोन रोड देखने को मिलती है एंड उस अननोन रोड पर एक आदमी जा रहा है जिसके हाथ में छाता भी है। एंड पहली नजर से देखने में उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी बहुत ही ज्यादा क्लोज है एंड वो उस आदमी की मदद के लिए उनको बुला सकता है, इसलिए वो उस अननोन रोड पर चला जाता है उस आदमी की मदद लेने के लिए। उसे पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे वो आदमी बहुत ही ज्यादा क्लोज हो, लेकिन बहुत ज्यादा देर तक चलने के बाद भी वो उस आदमी को कैचअप नहीं कर पा रहा था, वो मैन उससे बहुत ज्यादा दूर जाए जा रहा था। इसलिए गौरव थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है एंड थोड़ा बहुत जॉगिंग स्टाइल में वॉक करना शुरू कर देता है ताकि जल्द से जल्द उस आदमी की मदद ले सके अपने घर तक जाने के लिए। गौरव काफी ज्यादा तेज नहीं भाग सकता था क्योंकि बारिश तेज थी एंड अगर उसका पैर स्लिप हो जाता तो साइड में ही उसी रोड के काफी ज्यादा गहरी खाई थी जहां अगर वो गिर जाता तो उसका बचना एकदम इम्पॉसिबल सा ही था। स्लो रनिंग के बावजूद भी गौरव उस मैन तक नहीं पहुंच पा रहा था, उस आदमी तक वो कैचअप कर ही नहीं पा रहा था, जबकि गौरव क्लियरली बताते हैं कि वो अम्ब्रेला मैन बहुत ज़्यादा नॉर्मली वॉक कर रहा था, बहुत धीरे धीरे ही चल रहा था, लेकिन फिर भी समहाउ वो उन्हें कैच नहीं कर पा रहा था। खैर इस टाइम तक गौरव बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था एंड वो उस आदमी को शाउट करके ही बुलाने लगता है क्योंकि कैचअप करने का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। एंड सरप्राइजिंगली गौरव के चिल्लाने पर वो आदमी उसकी तरफ घूम जाता है एंड तभी गौरव को एक बहुत ही ज़्यादा स्केरी एंड डिस्टर्बिंग चीज़ देखने को मिलती है। वो देखता है कि इवन दो उस आदमी के हाथ में एक छाता था एंड वो छाता उसे पूरी तरह कवर भी कर रहा था, लेकिन तब भी वो आदमी पूरी तरह भीगा हुआ था एंड उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी वो किसी लेक से निकल कर आया हो, इतना ज्यादा वो भीगा हुआ था फ्रॉम टिप टू टो। गौरव ने ये तक भी नोटिस किया था कि इवन उसके आईब्रोज एंड कपड़ों से पानी तक ड्रिप कर रहा था, इतना ज्यादा वो भीगा हुआ था। खैर वो आदमी गौरव के SOS सुनने के बावजूद भी उसे एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर देता है एंड वापिस धीरे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ घूम कर चलना शुरू कर देता है। गौरव ने यह भी बताया कि वो आदमी एक काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा आदमी था, एक ओल्ड मैन था जिसकी अराउंड 60 से 70 साल के बीच में उम्र तो जरूर होगी एंड उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा व्रिंकल्स भी थे एंड उसके सर के बाल एकदम सफ़ेद थे। उस ओल्ड मैन का बिहेवियर देखकर, उसका फेस देखकर, उसकी हालत देखकर गौरव काफ़ी ज़्यादा क्रीप आउट कर गया था क्योंकि ऐसा नज़ारा उसने पहले कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था एंड वो नज़ारा देखकर वो डिसाइड करता है कि वो मदद लेने वाली चीज को पीछे छोड़ देंगे एंड इसी चक्कर में गौरव अब फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है जहां से वो आया ही था। गौरव को वैसे भी नहीं पता था कि वो अननोन रोड कहां पर एंड होगी क्योंकि उसने फर्स्ट टाइम अपने लाइफ में उस रोड को नोटिस किया था एंड वैसे भी वो उस रोड पर काफी देर तक चलता चलता काफी आगे आ गया था। लेकिन अभी तो स्टोरी जस्ट थोड़ी सी ही स्केरी हुई है क्योंकि जब गौरव वापिस अपोजिट डायरेक्शन में चलकर जाने लगता है अपने घर की तरफ, तब एक बहुत ज्यादा क्रीपी डिस्टर्बिंग चीज उसके साथ फिर से हो जाती है। जैसे जैसे गौरव अपनी अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा था वैसे वैसे उसको नोटिस हो रहा था, वो सुन पा रहा था कि उसकी पीठ पीछे से काफ़ी ज़्यादा भारी फुटस्टेप्स की साउंड्स आ रही हैं जो बिल्कुल उसके फुटस्टेप्स से मैच कर रही थी एंड जब डर के मारे उसने पीछे मुड़कर देखा ये देखने के लिए कि कहीं वो आदमी उसके पीछे तो नहीं है, तब उसके पीछे कोई भी नहीं था। लेकिन उसने एक चीज़ नोटिस करी कि वो आदमी जो लगातार चले जा रहा था वो अब रुक चुका है एंड गौरव को घूर रहा है, बट उसने इन सब चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करी एंड अपने रास्ते पर वापस चलना शुरू कर दिया एंड इस बार वो थोड़ा जॉगिंग स्टाइल में चलना शुरू कर देता है एंड जैसे ही उसने फिर से जॉगिंग करना शुरू करा तब उसको फिर से अपने फुटस्टेप्स जैसी साउंड्स आने लगती हैं पीठ पीछे से, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम आवाज की तरह। गौरव फिर से रुककर पैनिक में जल्दबाजी में पीछे मुड़ता है एंड वो रियलाइज करता है एक चीज कि उसके पीछे तो कोई नहीं था लेकिन वो ओल्ड अम्ब्रेला मैन वाली फिगर
अब उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुकी है एंड वो अब उसे क्लियरली देख पा रहा था तेज बारिश में भी। उस फिगर को इतना पास देखकर गौरव बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वो अब स्लो रन करते करते वापस अपने रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। इस बार गौरव के साथ एक और भी बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ होना शुरू होती है जैसे ही वो अपनी स्लो रन को अपोजिट डायरेक्शन में फिर से शुरू कर देता है, क्योंकि इस बार भागते वक्त गौरव को सिर्फ फुटस्टेप्स नहीं आ रही थी, उसको क्लियरली ऐसा रियलाइज हो रहा था कि जैसे उसके जस्ट पीछे एक पूरा का पूरा पर्सन उसके पीछे चल रहा हो या फिर भाग रहा हो। वैसे तो गौरव ने सोचा था कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, बट वो इतना ज्यादा डर गया था कि वो एक जगह रुक कर वापिस पीछे की तरफ मुड़ता है। एंड गौरव को इस बार अपनी स्लो रन में ये भी रियलाइज हो रहा था कि फुटस्टेप्स तो आ ही रही थी, एक आदमी का उसे एहसास भी हो रहा था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसको एक अम्ब्रेला पर बारिश के गिरने की आवाज भी आ रही थी। गौरव ने वैसे तो सोचा था कि वो अब किसी भी टाइप की आवाज सुनकर नहीं पीछे मुड़कर देखेगा ना ही रुकेगा, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया था वो आवाज सुनकर कि वो फिर से रुक जाता है एंड पीछे की तरफ उसे मुड़ना ही पड़ता है। और इस बार वो क्रीपी अम्ब्रेला वाला ओल्ड मैन गौरव के जस्ट सामने ही खड़ा था, उसी भीगी हुई हालत में जो गौरव ने पहले भी नोटिस करी थी। एंड गौरव को देखकर वो अम्ब्रेला मैन उसको हल्की सी क्रीपी फेंट स्माइल भी देता है। गौरव उस क्रीपी ओल्ड मैन की फिगर को अपने जस्ट सामने देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गया था एंड वो धीरे धीरे स्टेप बैकवर्ड्स लेना शुरू कर देता है। एंड जैसे जैसे वो बैकवर्ड स्टेप्स ले रहा था वैसे वैसे वो ओल्ड मैन उसके तरफ और आने की कोशिश कर रहा था। इतने में ही कुछ ही सेकेंड जैसा करते वक्त उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है एंड वो पीछे की तरफ जब मुड़ा तो उसने देखा कि एक पुलिस ऑफिसर ने उसको पकड़ लिया है। पुलिस ऑफिसर गौरव को उस जगह देखकर काफी ज्यादा डांटने लगता है एंड उसी को कहने लगता है कि तुम इतनी बारिश में एक सुनसान रोड पर आवारागर्दी क्यों करने आए हो। एक्चुअली गौरव के मम्मी पापा ने ही पुलिस को भेजा था क्योंकि काफी देर हो गई थी एंड वो घर वापिस नहीं लौट के आया था, लेकिन गौरव पुलिस ऑफिसर को बताता है कि वो यहाँ पर आवारागर्दी नहीं कर रहा था, उसको एक आदमी दिख रहा था एक छाते के साथ जिसकी मदद लेने के लिए वो इस रोड पर चलना शुरू कर देता है। तो वो पुलिस ऑफिसर गौरव को थोड़ा और टॉन्ट करने लगते हैं कि शायद तुझे तेज बारिश के कारण दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये रोड अभी बनी नहीं है, ओन कंस्ट्रक्शन है एंड अगर तू थोड़ा सा और आगे जाता तो सीधा खाई में गिरता क्योंकि ये रोड अभी पूरी नहीं बनी है। गौरव ये बात सुनकर थोड़ा बहुत और डर गया था, ये सोचकर कि अगर वो और देर इस रोड पर चलता रहता तो शायद वो नीचे भी गिर सकता था एंड उसकी डेथ भी हो सकती थी। लेकिन गौरव ने ये सब बातें इग्नोर करके पुलिस ऑफिसर को ये बताना चाहा कि उसको एक आदमी दिख रहा था एक अम्ब्रेला के साथ जो एक काफ़ी बूढ़ा सा आदमी था एंड वो आदमी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बिहेवियर शो कर रहा था एंड एक टाइम तक तो उसका पीछा भी करना शुरू कर दिया था। लेकिन ये सारी बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर ने गौरव को एकदम इग्नोर किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस ऑफिसर को वहाँ कोई भी आदमी नहीं दिख रहा था एंड सेकेंड पुलिस ऑफिसर को ये लगा कि गौरव डांट वगैरह से बचने के लिए ये सब कहानियां बना रहा है। गौरव बारी बार उस पुलिस ऑफिसर को बताता रहा कि उसने एक ओल्ड मैन को देखा है, एक बूढ़े आदमी को देखा है जिसके हाथ में छाता था एंड वो पूरा भीगा हुआ था, प्लीज आप जाके एक बार चेक कर लीजिए कि वो कहाँ चला गया। लेकिन पुलिस ऑफिसर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी एंड सीधा उसको अपनी जीप में बिठाया और घर की तरफ वापस लेके जाने लगे। एंड जैसे ही गौरव उस पुलिस ऑफिसर की जीप में बैठा तब वो नोटिस करता है कि उस जीप के साइड मिरर में उसको फिर से वो ओल्ड अम्ब्रेला मैन दिखाई देता है जो उसे देखकर फिर से एक हल्की फेंट स्माइल दे रहा था। एंड जैसे ही गौरव की जीप शुरू होती है एंड आगे की तरफ जाने लगती है तब भी वो उसे उस साइड मिरर में दिखाई दे रहा था। एंड थोड़ी आगे जाने के बाद गौरव ये नोटिस करता है कि वो ओल्ड अम्ब्रेला मैन उसी खाई में जाकर कूद जाता है जहाँ पर वो भी गिर सकता था अगर कुछ देर तक और वहाँ चलता रहता। गौरव की ये हॉरर स्टोरी सुनने के बाद जितने भी लोगों ने इसकी स्टोरी पर बिलीव किया, जितने भी लोगों ने इसकी स्टोरी पर ट्रस्ट किया, उन्होंने ये तक बताया कि हो सकता है कि वो ओल्ड मैन की फिगर जो गौरव को दिख रही थी वो एक डेड पर्सन की स्पिरिट हो जो कहीं ना कहीं डीप डाउन चाहती थी कि गौरव उस खाई में जाकर गिर जाए एंड उसकी मौत हो जाए। वेल ये स्टोरी सुनकर आप एक चीज़ तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी चीज़ को कभी भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना चाहिए क्योंकि इसमें नुकसान हमेशा हमारा ही होता है। आपके लिए कौन सी हॉरर स्टोरी वॉज द मोस्ट क्रीपीएस्ट? क्या आपने इन हॉरर स्टोरीज को सुनते वक्त थोड़ा बहुत अपने बीच में डर को फील किया
एंड अगर किया तो प्लीज़ इस वीडियो पर एक लाइक ज़रूर छोड़ना, इसको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ अगर आप चाहते हो कि वो भी थोड़ा बहुत शिवर करें इन स्टोरीज़ को सुनकर। कमेंट भी ज़रूर करना कि आपको कौन सा पार्ट बेस्ट लगा इस वीडियो का। एंड इतना सब कुछ करने के बाद आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर दो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दो।